हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर दिए हैं, यानी कि जितने भी आप लोग ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो इंग्लिश में एकदम जीरो हैं और चाहते हैं कि हम इंग्लिश सीख जाएँ और इंग्लिश में मेरा भी नंबर जो है 100 में से 90 आए, 95 आए, 99 आए, 98 आए, तो क्लास को ज्वाइन आपको करना होगा। हमने पिछले क्लास में ग्रामर के बेसिक क्लास को करवाया था, जिसमें हमने बताया था व्हाट इज़ इंग्लिश, व्हाट इज़ लैंग्वेज, व्हाट इज़ सेंटेंस, व्हाट इज़ वर्ड, व्हाट इज़ जो है अल्फ़ाबेट, इन सभी के बारे में हमने बता दिया है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये भी बताया है। तो सब्जेक्ट जो है हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे कि नाउन, और नाउन के बारे में हम लोग एकदम जीरो से एकदम हीरो बनने की तैयारी करेंगे। इसमें हम लोग नाउन के डिफिनेशन को पढ़ेंगे, नाउन के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि नाउन से जो है कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास से जुड़े हैं तो इसको कंटिन्यू आप ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा के नाम से हम लोग जानते हैं, नाउन इज नेमिंग वर्ड। अगर आपसे कोई पूछे कि नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन, तो सिंपल सी भाषा में आपको बताना है नाउन इज नेमिंग वर्ड, यानी कि संज्ञा जो है एक नाम, नाम वाला शब्द है। संज्ञा जब हम पढ़ाए थे उस समय भी बताए थे, उस समय परिभाषा हिंदी में जो है हम कुछ बड़ा लिखवाए थे कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप लोग भी जब निचले क्लास में पढ़े होंगे तो यही पढ़े होंगे, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये पढ़े होंगे। लेकिन आज से आप याद रखेंगे नाउन इज नेमिंग वर्ड। जितने भी इस दुनिया में नाम हैं वो सभी जो है नाउन हैं, संज्ञा हैं। सनी सर संज्ञा है, घड़ी संज्ञा है, बोर्ड संज्ञा है, दीवार संज्ञा है, मोबाइल संज्ञा है, जितने भी हैं नाम वो सब संज्ञा हैं। समझ गए, नाउन इज नेमिंग वर्ड, नाउन इज नेमिंग वर्ड। अब आपसे कोई पूछे नाउन के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन, तो आपको क्या बताना है। नाउन इज नेमिंग वर्ड तो आप जान गए, 5 types of noun। नाउन के 5 प्रकार होते हैं, कौन कौन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये सभी जो हैं हमने सबसे पहले जो है जब क्लास स्टार्ट किया था 2023 टॉपर बैच, तो उसमें हमने हिंदी ग्रामर को स्टार्ट किया था और हिंदी ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स थे ग्रामर से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक को हमने पढ़ा दिया है। अगर जो लोग भी उस टॉपिक को मिस कर दिए हैं, जाकर जो है आप लोग जो है देख सकते हैं, इस चैनल का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है 2023 टॉपर बैच हिंदी, हिंदी के उसमें वीडियो आपको मिलेंगे। ग्रामर पढ़ा दिया गया है, बुक आगे पढ़ाया जाएगा। ये जो है 2023 टॉपर बैच इंग्लिश, इसमें हमने कल से स्टार्ट किया है और ये लास्ट तक, जब तक इंग्लिश ग्रामर ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी बैच आप लोग फ्री में, आप लोगों को हम जो हैं फ्री में पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप लोगों में से किन्हीं को नोट्स चाहिए, जैसे कि हिंदी ग्रामर ख़त्म हो गया है, हिंदी ग्रामर का किन्हीं को नोट्स चाहिए, तो एक व्हाट्सएप पेड ग्रुप हमने बनाया है जिसको आपको ज्वाइन करना होगा, जिसके माध्यम से आपको अभी भी जो है क्लास का लिंक जो है, वीडियो का सभी का लिंक, आपको जो है सभी का नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा और इंग्लिश आप लोग पढ़ ही रहे हैं। ये जो भी हम पढ़ाएंगे आपको 2023 टॉपर बैच इंग्लिश व्हाट्सएप पेड ग्रुप के माध्यम से हम आपको भेज देंगे। जो जुड़ना चाहते हैं
उनके लिए 9608339424 जो है ये नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके जो व्हाट्सएप चलाते हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। हिंदी में अगर बात करें, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बाद भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब एक एक को हम लोग जो है बारीकी से पढ़ेंगे। जैसे प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, बस इतना ही आपको याद रखना है। प्रॉपर नाउन क्या है, तो नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। अब यहाँ पे स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक का मतलब खास, विशेष। जब किसी खास व्यक्ति, पर्सन मीन्स व्यक्ति होता है, यानी पुरुष और महिलाओं की यहाँ पे बात की ही जा रही है, साथ ही साथ जानवरों के भी जो है हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन यानी कि किसी खास व्यक्ति, स्थान और किसी वस्तु के नाम को हम लोग जब लेते हैं तो उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है राम, राम जो है एक नाम है, किसी का खास नाम है। उसके अलावा जो है जब हम नाम बोलेंगे ये राम, तो उसके अलावा कोई दूसरा जो है नहीं आ सकता है। जैसे कि रानी, दिल्ली, पटना, इंडिया, ताजमहल, ETC। हमने नाम लिया दिल्ली। अब दिल्ली के जैसा कोई दूसरा शहर हो सकता है कि होगा, लेकिन नाम तो उसका चेंज है। तो जो खास यानी उसके जैसा कोई और नहीं है तो क्या है, प्रॉपर नाउन है। एग्जाम्पल में सनी सर, सनी सर एगो नाम है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का नाम हो, लेकिन हमारे जैसे चेहरे वाले कोई व्यक्ति तो नहीं होंगे, यानी कि हम एक खास हैं। तो जब किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है तब उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल राम, रानी, दिल्ली, पटना, इंडिया, ताजमहल। इंडिया एगो खास है, इंडिया के तरह देश बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया अपने आप में एक खास है, इंडिया नाम से ही जो है खास है। ताजमहल, ताजमहल के तरह बिल्डिंग बहुत सारे हैं, लेकिन ताजमहल खास है, यानी एक विशेष स्थान है कि नहीं। तो जब किसी विशेष स्थान, किसी व्यक्ति विशेष को नाम से संबोधित करते हैं तो उसी नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। हमें आशा है कि आप लोग ये समझे होंगे। अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन को हिंदी में जो है जातिवाचक संज्ञा से हम लोग बोलते हैं। अब जाति का मतलब हम लोग जो है कुछ एक्स्ट्रा समझ लेते हैं, यानी हम लोग का जाति जो होता है वो नहीं यहाँ पे बात किया जा रहा है। यहाँ पे जाति से मतलब है क्लास, वर्ग, जिससे किसी वर्ग का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नेम ऑफ ए क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि वर्ग। जैसे हमने बोला बॉय जो है एगो वर्ग है। हम नाम ले रहे हैं राम, श्याम, सनी, ये तीन अलग अलग नाम हैं, यानी कि ये प्रॉपर हैं, लेकिन जब हम बोलेंगे बॉय तो बॉय में ये तीनों आएंगे या नहीं आएंगे, तो वो जो है क्या चीज का बोध हो रहा है, एक क्लास का बोध हो रहा है कि ये जो है क्लास बॉय के कैटेगरी में ही ये तीनों आएंगे। जैसे हमने बॉय, मैन, आदमी के नाम अलग अलग होंगे तो वो प्रॉपर नाम, लेकिन जब हम लोग आदमी नाम लेंगे तो सभी आदमी आ जाएंगे, यानी कि मैन इज ए कौन, कॉमन नाम। फिर सिंपल, गर्ल, वोमेन, फैन, पेन, बिल्डिंग, ETC। अब बोलिएगा फैन कैसे, तो फैन एगो जो है बजाज के भी होता है, तूफान के भी होता है,
उषा कंपनी का भी होता है, तो उस सब का अलग अलग नाम है, तो वो सब जो है प्रॉपर है, यानी अपने आप में वो कंपनियां जो है खास है। लेकिन जब हम फैन नाम लेंगे, हम कहेंगे कि एक फैन हमको खरीदने जाना है, तो फैन से जितने भी कंपनियां का नाम है वो हम लोगों के सामने आ रही है, यानी कि एक ग्रुप का ही बोध हो रहा है, एक ग्रुप यानी कहें तो एक जाति का बोध हो रहा है, फैन से पूरे फैन का बोध हो जा रहा है, चाहे उषा के हो, चाहे तूफान के हो, चाहे बजाज कंपनी के हो, है कि नहीं। तो जब पूरे वर्ग का बोध होता है उसी को हम लोग जो है कॉमन नाउन कहते हैं, गर्ल बॉय ओमेन बॉय फैन पेन पेन बहुत सारे पेन। पेन जब हम लोग नाम लेंगे तो ये तो नहीं कहेंगे कि राइटोमीटर पेन है या किसी कंपनी का पेन है या 5 रुपया वाला पेन है कि 2 रुपया वाला पेन है। पेन कहें तो कोई सा भी पेन हो सकता है, वो पूरे पेन ग्रुप का ही बोध हुआ है। तो पेन कहने का मतलब जो है एक जाति का जब बोध होता है उसी को कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन का जो है डिफिनेशन हमने बताया, नेम ऑफ ए क्लास ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग, उसी को जो है हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। यानी कि किसी वर्ग के, किसी व्यक्ति के वर्ग, किसी स्थान के वर्ग या किसी वस्तु के वर्ग का जब नाम हम लोग लेते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, बिल्डिंग, ताजमहल भी एगो बिल्डिंग है और एगो जो है हमर घर भी एगो बिल्डिंगे हैं, तो का दोनों जो जब बिल्डिंग लेंगे तो ये दोनों आएगा, लेकिन जब ताजमहल बोलेंगे तो खास आएगा, तो खास प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन बिल्डिंग बोलेंगे तो दुनिया में जितने सारे बिल्डिंग हैं वो सभी आ जाएंगे, है कि नहीं। अब मटेरियल नाउन की बात करते हैं। मटेरियल नाउन ये क्या है, मटेरियल नाउन, मटेरियल मीन्स क्या होता है, सामग्री होता है, मटेरियल मीन्स सामग्री, तो इसे जो है सामग्री संज्ञा भी हम लोग बोल सकते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं। नेम ऑफ ए मटेरियल नाउन और सब्सटेंस, यानी कि मटेरियल नाउन्स किसे बोलते हैं, तो किसी पदार्थ और सामग्री के नाम को ही हम लोग जो हैं मटेरियल नाउन बोलते हैं, किसी पदार्थ या सामग्री के नाम को ही हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड जो है क्या है, एक समान पदार्थ है कि नहीं। सिल्वर, सिल्वर भी एक पदार्थ है। सैल्ट, नमक। एयर, एयर भी जो है क्या है, हम लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री में एलिमेंट्स, ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट्स हैं, यानी ये भी जो है एक पदार्थ है, तत्व है। वाटर, पानी। स्टोन, पत्थर। सनलाइट, सूर्य के प्रकाश। मिल्क, अब कोई कहेगा कि सूर्य के प्रकाश का है, सूर्य के प्रकाश भी जो है का है, तो एक सामग्री है, एक पदार्थ है। मिल्क, सीमेंट, ब्रिक्स, घी, क्लोथ, ये सभी जो हैं सब्सटेंस हैं, मटेरियल्स हैं, यानी इन सभी जो हैं हम लोगों के लिए ज़रूरतमंद है, हम लोग जो हैं इसका जो है उपयोग किया करते हैं। समझने वाली बात यह है कि किसी भी पदार्थ के या सामग्री के नाम को, जैसे मार्कर है, ये एक पदार्थ है, पदार्थ है, तो ये सब क्या होगा, मटेरियल नाउन में आएगा। अब जैसे कि हम बोलते हैं, ये मटेरियल नाउन भी जो है दो प्रकार के होते हैं, कैसे, तो एक जो है मानव निर्मित मटेरियल नाउन होते हैं और एक जो है प्राकृतिक, यानी कि नेचर्स मटेरियल नाउन्स एंड ह्यूमन मटेरियल नाउन्स। तो नेचर्स कौन कौन हुए, जो भगवान के द्वारा दिए गए हैं, जैसे ये देखिए एयर, एयर तो हम लोग नहीं बनाए हैं, भगवान दिए हुए हैं। वाटर, भगवान ही दिए हुए हैं। स्टोन, पत्थर, भगवान। सनलाइट, भगवान ने दिए हैं, यहाँ पे एक बात। सैल्ट, समुद्र के पानी से, भगवान का दिया हुआ। सिल्वर, सिल्वर भी जो है नीचे से खान से निकाला जाता है क्या नहीं, भगवान का। गोल्ड, ये भी जो है खान से निकलता है कि नहीं। तो ये सभी जो है का नेचर मटेरियल नाउन कहलाएंगे। और उसी प्रकार मिल्क भी जो है नेचर मटेरियल नाउन कहलाएगा, ये भी याद रखिएगा। लेकिन सीमेंट को हम लोगों ने बनाया है ह्यूमन मटेरियल नाउन। ब्रिक्स को हम लोगों ने बनाया है ब्रिक्स ह्यूमन मटेरियल नाउन। घी को हम लोगों ने बनाया है, दूध से हमने घी बनाया है, ठीक है। क्लोथ्स को हमने बनाया है, कपड़ा को हमने बनाया है, ठीक है। तो जो भगवान के तरफ से जो है पदार्थ दिए गए हैं और उसके नाम हैं उसको हम लोग कहेंगे नेचर मटेरियल नाउन्स। एंड
जो हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं वे क्या कहलाएंगे, तो वे लोग जो हैं ह्यूमन मटेरियल नाउंस कहलाएंगे। मटेरियल नाउंस क्या है, तो नेम ऑफ ए मटेरियल्स और सब्सटेंस, यानी पदार्थ और सामग्री के नाम को ही हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। हिंदी में इसे द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से या पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से हम लोग जानते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को जो है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पढ़ना भी वहीं चाहिए जहां आपको समझ में आए, 80% आपके दिमाग में अटना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। इसे हिंदी में कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। अब समूह और कॉमन में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता होगा, जैसे कि हमने बोला बॉय, तो बॉय से भी आप भी तो कह सकते हैं कि बॉय जो है एक समूह ही है, समूह है लेकिन वर्ग को जो है डिवाइड करता है यार, वर्ग। लेकिन यहाँ पे जब कलेक्टिव नाउन हम बोलेंगे, नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स प्लेस और थिंग, नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स मीन्स जीव, जीव होता है ठीक है, किसी जीव के ग्रुप का नाम, किसी स्थान के ग्रुप का नाम, किसी वस्तु के ग्रुप का नाम जब हम लोग लेते हैं तो उसे ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे पीपल, पीपल मीन्स लोग, जब हम पीपल्स बोलते हैं तो किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं होता है, पूरे लोग का जो है बोध होता है, जितने भी प्रेजेंट हैं। जैसे एक और क्राउड मीन्स भीड़, तो भीड़ क्या है, एक समूह है, भीड़, भीड़ समूह है, लेकिन हमने मैन और बॉय जब बोला तो ये एक क्लास है, वर्ग है, पूरे जाति का, जितने भी दुनिया में बॉय हैं वो सब का बोध हो गया, पूरे जाति का बोध हो गया, लेकिन हमने पीपल से बोला तो सिर्फ लोग का ही बोध हुआ, जितना हम लोग देख रहे हैं सिर्फ उतना का ही बोध हो रहा है। जैसे क्राउड भीड़, अब पूरा दुनिया के भीड़ थोड़े हम लोग जो है देख रहे हैं, भीड़ जितना हम लोगों के सामने है उतना ही देख रहे हैं, लेकिन जब मैन बोलेंगे तो मैन एक वर्ग का डिफाइन करता है, और वर्ग जो है, ये मैन का वर्ग जो है पूरे वर्ल्ड में है, इस बात को आप लोग ख्याल रखिएगा ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में जो है बस इतना ही अंतर है कि कॉमन नाउन में कोई भी नेम जब होता है तो वो पूरे वर्ल्ड में जो है रिलेट करता है, लेकिन जो है कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, जो हम लोग देखते हैं जिस ग्रुप को उसी को हम लोग कहते हैं। जैसे क्राउड भीड़ पुलिस, अब पुलिस बोलेंगे तो पुलिस एक वो कोई थोड़ी है, पुलिस आएगा, पुलिस आएगा तो अपन पुलिस के मतलब कि जितना जो है थाने में पुलिस हैं सब हो गए हैं कि नहीं, अब पुलिस बोलेंगे तो पूरा दुनिया में पुलिस है, वो थोड़े पुलिस का एक ग्रुप है उतना ही है, सिर्फ पुलिस का ग्रुप। तो किसी जीव के ग्रुप, किसी स्थान के ग्रुप, किसी वस्तु के ग्रुप को ही जो है हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे टीम, तो टीम ये पूरी दुनिया के टीम के थोड़े बोध कर रहा है, यानी टीम एगो है जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसके एक लीडर हैं उसी को हम लोग बोलेंगे। स्टेट, स्टेट जो है क्या चीज़ का ग्रुप है, ग्रुप है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप है, डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर स्टेट बनाया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप स्टेट है। हमने बोला कंट्री, कंट्री किसका ग्रुप है, कंट्री स्टेट का ग्रुप है, स्टेट को मिलाकर कंट्री बनाया गया है। तो जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन कहते हैं ठीक है। अब हम लोग आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो है इतना बारीकी से समझिएगा कि आप कभी भूल नहीं सकते हैं। जैसे कि हम लोगों के पास जो है पांच इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां जिसे बोलते हैं, नाक मुंह, नाक जीभ, आँख कान और त्वचा। कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, और एक वाव का है, कान नाक जीभ और उसके बाद त्वचा और उसके बाद आँख ठीक है, ये सभी जो है पांच। तो इन पांचों का रहना ही हमारे शरीर को जो है बताता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यानी कि इन पांचों से जिस वस्तु को हम लोग सुन सकते हैं या देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं या स्वाद पता कर सकते हैं, वे सभी जो हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं कहलाएंगे। जिसको सिर्फ हम लोग
महसूस यानी देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, स्वाद नहीं ले सकते हैं, उसी को हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, कभी हम उसको देखे नहीं हैं। चाट ये मार्कर है तो मार्कर को हम लोग जो है देख रहे हैं, चाट करके स्वाद भी ले सकते हैं, सुन भी सकते हैं, इसे कहीं मारेंगे तो सुन भी सकते हैं। यानी जब ये पांचों ज्ञान इंद्रियां के अलावा कोई अगर दूसरा काम होता है तब जो है उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ट्रूथ, ट्रूथ मीन्स सच्चाई। अब ये सच्चाई जो है इसको हमने कभी देखा है, कभी हमने सुना है? अब कोई कहेगा कि सच्चाई हम सुने हैं, सच्चाई आप सुने नहीं हैं, आप जो हैं सिर्फ उसको महसूस किए हैं। भाव, भाव सिर्फ वह प्रकट किया है आपको, तो भाववाचक संज्ञा जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं या अनुभव नहीं कर सकते हैं, उसका स्वाद का पता लगा नहीं सकते हैं, उसी को जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, नेम ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑनेस्टी मतलब कि ईमानदारी। ईमानदारी को किसी ने देखा है? वो सिर्फ मानव का भाव है कि वो जो है ईमानदार है, हम ईमानदार व्यक्ति को देख रहे हैं, ईमानदारी को हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी कि बचपना। बचपना जो है एक स्टेज बांटा गया है कि इतने से इतने साल के बीच को हम लोग बचपन कहेंगे, लेकिन हमने बचपन को देखा है? बचपन वाले व्यक्ति को हमने देखा है, बचपन वाले बच्चे को हमने देखा है, लेकिन बचपना को हमने नहीं देखा है कि नहीं? उसी प्रकार गुडनेस, अच्छाई, किसी की अच्छाई को हमने नहीं देखा है, सिर्फ जो है उसके भाव को हमने अपने से महसूस किया है कि नहीं ये अच्छा है कि नहीं? उसी प्रकार फ्रीडम, आज़ादी, आज़ादी हम लोग देखे हैं, गांधी जी ने हम लोगों को आज़ाद करवाया, क्या हमने देखा है? नहीं देखा है, हम लोग जो है सिर्फ उसमें जी रहे हैं, उसके भाव को जो है महसूस हम लोग कर रहे हैं। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं अगर अपनी लैंग्वेज में हम बताएं, जिसे हम लोग सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, महसूस नहीं, अनुभव नहीं कर सकते हैं, स्वाद का पता लगा नहीं सकते हैं, ओकरे का कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, सिंपल सी भाषा में। अब जो है हमें विश्वास है कि आप लोगों को नाउन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट्स नहीं रहा होगा। इस वीडियो का जो है नोट्स आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेज दिया जाएगा। ठीक है, जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। और नाउन के बाद नेक्स्ट क्लास जो है हम लोगों की होगी प्रोनाउन की, यानी कि सर्वनाम की। नाउन हमने हिंदी में भी पढ़ा दिया है संज्ञा, अगर किसी को यहाँ पे दिक्कत है तो वो हिंदी वाला एक बार जाके देख लेना, उसके बाद जो है इंग्लिश वाला पढ़ लेना। सर्वनाम हम पढ़ाएंगे, प्रोनाउन तो सर्वनाम हिंदी में पढ़ा दिया है, इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो वो जाकर पहले हिंदी आप देख लीजिए, उसके बाद इंग्लिश में आइएगा, बहुत अच्छे तरह से आपको जो है समझ में आएगा। इसी तरह के वीडियोज जो है आपको साल भर इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। आप ट्वेल्थ की तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड में और टॉपर बनने की सपना देख रहे हैं, तो ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस आपकी मदद कर रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, पढ़ाने के लिए कोई चार्जेस नहीं, सिर्फ नोट्स के लिए एक सब्जेक्ट ₹51। सो गाइस, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिए, और आप वीडियो देखे हैं तो उसके लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।